बड़ा ही मंगल अवसर है, क्योंकि तुम्हारे तुच्छ जीवन से ब्रह्मांड का संतोष। सॉरी, जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम्हारी जगह कारवर आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। कारवर? वो ऐसे छोटे बड़े काम नहीं करता। अच्छा, तो इसके लिए उसकी जगह मुझे चुना, मतलब मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ? तुमने कहा था ना, तुम्हारा पहला काम आसान होना चाहिए, इससे आसान क्या होगा? लग गए। क्या हुआ? वो बंदा जो मुझसे टकराया था ना, तो शायद चाबी गिर गई। लॉकर का नंबर क्या? 523। स्कूल में वो पढ़ता था, उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ मैं। अचानक बीमार पड़ गया, ऐसे बहाने तो बच्चे करते हैं। हेलो, मुझे सच सुनाई दे रहा है। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं खुद में बदलाव ला रहा हूँ। फिर भी कारवर कितना कमीना है ना। तुम्हारे पटाखों की डिमांड कुछ अजीब नहीं है। हाँ, अपना अपना स्टाइल है। अब ये मत कहना कि तुमने स्लीपिंग पाउडर भी मंगवाया है। नो। तुम्हारी वजह से एनकरेज के बॉडीगार्ड को हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, डोज थोड़ा ज्यादा हो गया था। गन ले लो। हमारी ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए शुक्रिया, फर्स्ट क्लास उस तरफ है। थैंक यू। तुमने गन नहीं ली ना? बैरी बोलता है हर लफड़े को पहले शांति से निपटाना चाहिए। क्या कहते हैं वो, कुछ मसले बिना हथियारों के नहीं सुलझते। ओके, मैं ट्रेन में आ गया। वाह, शुरुआत तो अच्छी रही। ट्रेन तो वाकई शानदार है, इकोनॉमी क्लास। जानती हो, मैं खुद की एजेंसी खोलने की सोच रहा हूँ। छोटे मोटे काम करूंगा, कोई टेंशन नहीं। बकवास बिजनेस प्लान है। ना किसी गुंडे से कोई झगड़ा, ना कातिलों का पंगा, सिर्फ अच्छे लोगों से मिलना। बैरी बोलता है खुद को बदलने का वक्त आ चुका है। वो सही बोलता है। लेकिन तुम्हारा बैरी नहीं जानता कि तुम काम क्या करते हो। अब ध्यान से सुनो, इस बुलेट ट्रेन में 16 डिब्बे हैं, 10 इकोनॉमी, 6 फर्स्ट क्लास, और याद रखना ट्रेन हर स्टेशन पर 1 मिनट रुकेगी। क्या कर रहा है, दिखाई नहीं देता। लगता है नशा करके आया है कहीं से। अबे नहीं, चोरी ने और चंदी बना कब छोड़ेगा पता नहीं। तो आप कुछ लेंगे सर? नहीं थैंक यू, आप ठीक है? लगे तो कैसे बोल आ जाते। ठीक है, ठीक है। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। जब भी कोई चीज देखता हूँ ना, तो दिल करता है कि मैं उसे उठा लूँ। तुझे डॉक्टर की जरूरत है, बीमार है तू। बिस्किट कौन चोरी करता है यार, कोई नहीं, किसी बच्चे को दे दो। ओके, तो मुझे माल उठाकर निकलना है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उठाना क्या है। एक ब्रीफकेस, खबर के मुताबिक उसके हैंडल पे ट्रेन का स्टिकर लगा है। हाँ, लेकिन ब्रीफकेस का कोई मालिक तो होगा जो बवाल खड़ा करेगा। खबर ये भी है कि इस ब्रीफकेस के मालिक इकोनॉमी क्लास में होंगे। ये मालिक एक से ज्यादा है क्या? मुझे गन लाने को क्यों नहीं कहा? कहा था, तुम पर बाबा बैरी का बोझ सवार था। टिकट प्लीज। ये लो। ये टिकट नहीं है, ये रिसीट है। लगता है मेरी टिकट कहीं गिर गई है। लेकिन रिसीट से पता चल रहा है कि खरीदी थी, है ना? अगला स्टॉप। हाँ, दो मोरी गा दो। पहले तो ये झुक के मिलते थे। मैंने उसे धक्का दिया, मैं फर्स्ट क्लास सीट B4 पर हूँ। सॉरी,
मेरी गलती है, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। वो तो मैं ही हूँ। अरे सुन लेमन, भाग टैंजरीन, तुम्हारा खून बह रहा है। अबे यार, ये पान खा के कौन थूक दिया मुझे? क्या सेल में लिया था शॉट? जाओ जाकर अच्छे से साफ करके आओ। ओ, ये तो खून ही है। तो नहीं करोगे? अरे अपना खून नहीं है, छोड़। ऐसी बात है तो अपनी जैकेट निकाल दो और अपनी खून वाली शर्ट सबको दिखाओ। हाँ यार, जिंदगी में पहली बार सही हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जैकेट के बटन बंद करो ताकि ये धब्बे किसी को ना दिखे। इन धब्बों से ज्यादा मुझे अपने कोड नेम्स की फिक्र है। अरे कुछ क्लासी सा रख लेते, जैसे एप्पल्स या ऑरेंजेस। तो इस सूटकेस में क्या है? बेतुके सवाल मत पूछो, तुम जानते हो सूटकेस में क्या है। रोकड़ा हर फसाद की जड़ है। तूने अपनी जिंदगी में टैंजरीन देखा भी है? क्रॉस ब्रीड करके बनाया जाता है, ये थोड़ा अलग होता है मेरी तरह। तुमने बोला था इकोनॉमी क्लास के 6 डिब्बे, हर डिब्बे में करीब 30 लोग हैं। अब हर बंदे के 2 बैग्स पकड़ो तो मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर होता है। थोड़ा लगा नहीं तुम्हारा वो ब्रीफकेस यहाँ पर? रुक जाओ, हैंडल पे ट्रेन का स्टिकर है। हाँ, लग गई लॉटरी। अपन का नाम लेमन क्यों? क्योंकि तू खट्टा है। लेमन किसी को पसंद नहीं आता। अबे सबका फेवरेट होता है शिकंजी, नींबू पानी। गला खराब है क्या? उसके बाद लेमन टी। एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लेमन टी कब पी थी? सलाद पे नींबू डालता। तुम क्या सच में लेमन की बात कर रहे हो? सूटकेस मिल गया। ये तो अच्छी बात है। सच में? हाँ। अब बोलो झोल क्या है? कोई झोल नहीं, कोई ना कोई दो। ट्रेन से उतर जाओ। लेमन हैंगओवर के लिए अच्छा है, पर कोड नेम के लिए नहीं। ओ देखो सिंड्रेला उठ गई। सुबह हो गई मामू। जागो मोहन प्यारे, वरना मरोगे कुवारे। कहां पर हूं मैं? अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे डैड ने हमें भेजा है। तुम लंगूर मेरे बाप के लिए काम करता है? अब ज्यादा मत उछल वरना तेरी खबर खोद के तेरे बाप को पार्सल कर दूंगा। देखा जाए तो हम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मैं हूं टैंजरीन और यह है लेमन, नींबू पानी वाला लेमन। थॉमस द टैंक इंजन कार्टून देखने से शुरू हो गया। आजकल के कार्टून बिल्कुल बकवास होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ना स्टोरी, ना इमोशन, ना एक्शन, ना ही कोई मैसेज। फालतू में क्यों देखने का है? घंटा हम इनसे कुछ सीखेंगे? लोगों के बारे में अपन जो सीखा है वो सीखा है इससे थॉमस। अच्छा तो तुम फिर से स्टिकर बुक लेके? स्टिकर बुक मत बोले सर, जान है अपनी। अब टैंजरीन को ही देख ले, ये गॉर्डन जैसा है, ये नीला वाला। गॉर्डन सबसे ताकतवर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पर वो दूसरों की बात कभी नहीं मानता। तू भी नहीं मानेगा? देखो कुछ लोग एडवर्ड की तरह होते हैं, अक्लमंद मेहरबान, कुछ हेनरी की तरह होते हैं, मेहनती ताकतवर, और कुछ लोग होते हैं डीजल एकदम सिक्की। उनसे बच के रहना, पर तू ना, तू अपन को लगता है बिल्कुल पारसी जैसा, जवान प्यारा, दिमाग से पैदा। तो हो गया तुम दोनों का? हाँ ठीक है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए हमें भेजा है जिसमें तुमने अपने आप को फंसा दिया है। वैसे इसका नाम टैंजरीन क्यों है? क्योंकि ये क्लासी नाम है। बस बहुत हुआ, ये जरूरी नहीं है समझे। जरूरी ये है कि तुम्हें बचाते वक्त हमने उनके 17 लोगों की लाशों का ढेर लगा दिया जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था और तुम्हारे बाप से तुम्हारी जान के बदले पैसे हटने वाले थे। एक्चुअली 16 लोगों की। क्या कहा तुमने? 16 को टपकाया बेटू। नहीं 17 को। पांच लोगों के पत्ते बिछे गए। वो सांड, हाँ वो सांड। इनविटेशन का वेट करेंगे। तीन चमन झंडू तलवार के साथ कितना चिल्लाते हैं। के जमाने में तलवार कौन लाता है? पूरी गैंग थी, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। भी ऊपर तलवार का मजा ही कुछ और है। बीपी लो हो रहा है, कुछ मीठा खाता है। पहले एक एक जलेबी हो जाए। ये भी ठीक है। ये 14 और 15।
forever blue in bubbles. और वो मोटरसाइकिल वाला चोमू pretty bubbles in the air. हो गया ना सोला. और वो टोपी वाला जो बेमतलब उड़ गया उसका क्या कौन तो दोस्त अपन की गलती नहीं थी. तेरी कसम खा रहा हूं. नहीं क्या लगता है थॉमस द टैंक इंजन क्या कहेगा लेमन? बकवास मत कर. वो तुमसे कहेगा जिम्मेदारी लेना सीखो लेमन. थॉमस ऐसा कभी नहीं बोलेगा. जल्द से जल्द बैग के ओनर से दूर भागना होगा. तुम नर्वस हो? हाँ मुझे डर लग रहा है. तुम्हें डर लग रहा है? अरे हाँ नर्वस हूँ. डर लग रहा है जो बोलो. अच्छा सुनो मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है. अबे चुपचाप बैठा रहे वरना उतरेगा नहीं उठ जाएगा. पता है तुम्हारे बाप को दुनिया क्या कहती है? हाँ मुझे अच्छी तरह पता है. द व्हाइट डेथ. टैंजरीन जितना क्लासी नहीं है. नहीं तुमने सही कहा. एक किस्सा है तुमने पहले सुना हो तो बोल देना. एक बदकिस्मत औरत ऐसे हालात में फंसी थी जिसे तुम्हारे बाप को बहुत मोटी रकम चुकानी थी. अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसे पैसे चुकाने में थोड़ा टाइम लग गया. वैसे 5 मिनट देर से ही सही लेकिन उसने पैसे चुका दिए थे. फिर उसने क्या किया? उसका हाथ काट दिया. बाप है ये जल्लाद. हाँ उसने कहा कि हर एक मिनट के लिए एक उंगली काटो. पर इसके दिलदार बाप ने उस औरत को 5 बार तकलीफ नहीं दी है कि झटके में काट दिया. कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है. ये तो अच्छी बात है. कुछ तो झोल है सच में. हाँ वो तुम्हारे दिमाग पे मत जाओ. बैरी होता तो क्या कहता? बैरी कहता है गलत काम का नतीजा भी हमेशा गलत ही होता है. वाव वैसे वो तुमसे फीस कितनी लेता है? तो देखो हमारा काम तुम्हें सुरक्षित रखना और फिरौती के पैसों से भरे ब्रीफकेस को वापस लाना है. और मैं ये काम पूरा करना चाहता हूँ ताकि मेरे दोनों हाथ. वो ब्रीफकेस कहाँ पर है? अपन ने संभाल के रखा है. कहाँ रखा है लेमन? जहाँ भी है उसे वापस लेकर आओ. जानते हो तुम दोनों मेरे बाप के लिए बोझ हो. किसी काम के नहीं हो. तुम जैसे लोगों को मारने के लिए उन्हें वजह नहीं चाहिए होती. जिंदा रखने के लिए चाहिए होती है. क्या तुम्हारे पास कोई वजह है? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. हेलो व्हाइट डेथ का बेटा तुम्हारे पास है? तुम्हारा मतलब ये बेवकूफ टैटू की दुकान? हाँ मेरे सामने बैठा. हाँ वो तो मैं सीने से लगाए बैठा. दोनों को लेकर क्योटो स्टेशन पर उतर जाना. उसके बाद हम ये सौदा पूरा कर लेंगे. 20 सालों पहले जापानीज अंडरवर्ल्ड पर मिनीगिशी की हुकूमत चलती थी. वैसे मिनीगिशी बहुत ही बेरहम आदमी था. पुराने ख्यालों का था. उसके लिए परंपरा और वफादारी ही सब कुछ थी. एक बार गैंग में घुस गए तो घुस गए. फिर तुम परिवार का हिस्सा बन जाते थे. फिर एक दिन अचानक अंडरवर्ल्ड में 6.5 फीट के एक रशियन कमीने की एंट्री हुई. सुनने में आया या तो उसे किसी रशियन माफिया ने निकाल दिया था या वो एक एक्स केजीबी एजेंट था. सच क्या है कोई नहीं जानता. और ये सब जानते थे कि रशियन गैंग में वो तेजी से ऊपर उठ रहा था. रुकावटें लांघते हुए सबको रोकते हुए और बस कुछ ही दिनों में वो मिनीगिशी का सबसे खास आदमी बन गया था. मिनीगिशी के साथियों ने उससे कहा होश में आओ बॉस, ये रशियन भरोसे के लायक नहीं है, इसे गैंग से निकाल दो. उन्होंने कहा यह खतरनाक है. वो उसे बीमारी मानते थे. अ वाइट डेथ. जल्दी उनका डर सच साबित हुआ. उसने नए साथी बनाए, अपनी गैंग बनाई. और फिर उसने क्या किया? उसी की पीठ में खंजर घोंपा. मतलब उसे धोखा दिया. मैंने किसी का उसने भेजा उड़ा दिया. एक ही रात में उसने मिनीगिशी गैंग का नामो निशान मिटा दिया और वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया. तो मेरी बात कान खोल के सुनो. सुना है वो बेरहम सन की लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हमारी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें पैदा करके रखी है. मतलब ये सन की लीडर डीजल जैसा ही है. अगर तुमने एक और बार उस शो का जिक्र भी किया ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. हाँ ठीक है लेकिन अगर वो इतना ही खतरनाक है तो उसके लौंडे को बचाने के लिए अपन लोगों को क्यों बुलाया है? गौर से सुनते तो पता चलता ना उसकी एक बीवी भी थी. ये तूने बोला था? हाँ वो दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था लेकिन वो मर गई. लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया. अब वो अपने अड्डे पर रहता है और वहाँ से वो कभी नहीं निकलता. मतलब अपनी बीवी के गम में अब वो देवदास बन गया है. और हाँ उसने ये जिम्मेदारी किसी ऐरे घरों को नहीं सौंपी है लेमन. दरअसल उसे बेस्ट आदमी चाहिए थे. उसने उन्हें चुना जिन्होंने बोलिविया में धमाल मचाई थी. बोलिविया उसे प्रोफेशनल्स चाहिए थे जो कभी नाकाम नहीं होते.
इतना समझ लो लेमन कि हम तो गए काम से। तुम मुझसे चाहती क्या? लोग मुझे अक्सर एक मासूम लड़की समझते हैं जो आगे चलकर किसी की बीवी या माँ बनेगी, लेकिन मैं किसी की कहानी का हिस्सा नहीं हूँ। तुम सब मेरी कहानी में हो। लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? तुम इस शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन के लिए काम करते हो, व्हाइट डेथ। ओह प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम किसी और के लिए काम करते हो जो किसी और के लिए काम करता है वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ सबका बाप एक ही है। दो दिन पहले तुमने व्हाइट डेथ के एक आदमी को ब्रीफ केस डिलीवर किया था, तभी मुझे एक मौका दिखाई दिया ब्रीफ केस का पीछा करते हुए व्हाइट डेथ तक पहुँचने का। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यही तो मेरा फेवरेट पार्ट है स्टोरी का, तुम मेरे लिए उसकी जान लोगे। लेकिन मैं व्हाइट डेथ की जान लूंगा कैसे? बस देखते जाओ। ओह क्या बात है, हम बिल्कुल टाइम से चल रहे हैं। आराम से बैठो, रिलैक्स करो, टेंशन में लग रहे हो। वैसे गोली गर्दन पे भी लग सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ की बॉडी को वो ढक के रखता है। लगता है तुम थॉमस का वो एपिसोड देखना भूल गए थे। मैंने बिना नहाए धोए उस कार्टून को लगातार देखा है। अपन को हर एपिसोड याद है। पहले बीवी गई और अब बेटा, व्हाइट डेथ का बेटा रेड हो गया है। 26 साल पहले बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम ताकतवर बनो, समझ गए? हाँ, सबसे ज्यादा ताकतवर। Canta conmigo, así me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar, por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar. Yo sé que no puedo seguir más así, matando de lo que puedo hacer por ti. Y es que en cada esquina cruel escrito por la despedida. Mi amor me ha salvado. Y el sabor estar a tu lado es como el mar yendo por dentro y nunca cantará el dolor de ser quien soy. Voy sin saber, sin tu amor, cómo hacer con tanto dolor una vez más.
मेरी बीवी की चोली आज तुझे मारकर मैं उन दोनों का बदला लूंगा। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं क्या? बैठकर बात करते हैं ना। ये बच्चा तुझे कच्चा चबाएगा। बोला जितना भाग सकता है भाग, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। क्यों? और तेरी जिंदगी नर्क बनाऊंगा जैसे तूने मेरी बनाई। लेकिन मैं तुझे जानता तो नहीं हूँ। ट्रेन से नीचे ना उतर पाए और जैसे ही ब्रीफकेस दिखे जिसके पास वो हो उसे उड़ा देना। ठीक है, लेकिन उसे उड़ाओ कैसे? गोली से उड़ाओ यार, अपनी बॉडी से। एक काम करो, तुम उसे गॉर्डन और पर्सी की लव स्टोरी सुनाना, उसे बताना कि गॉर्डन ने पर्सी के अखरोट कैसे फोड़ दिए थे। मतलब उसे लपकाना यार, वो भी तोड़ दिया। चिल्ला मत बुढ़िया, वरना हार्ट फेल हो जाएगा। साइड तो हेलो डीसी जी। हाँ
जोहान्सबर्ग। माफ करना दोस्त, लो अब छोड़ दो। अरे यार फिर से छूट गया, कितनी जल्दी मालूम। मेरा स्टेशन छूट गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मेरी ले रहा है। कुछ भी मत बोलो, वो ब्रीफकेस तुम्हारे पास है ना? दिया है मैंने। अगले स्टेशन पर उतर जाओ। हाँ फोन तो। अच्छा तुम किसी एल सिगरेलो नाम के बंदे को जानती हो? एल सिगवारो, वो माफिया बॉस। पता नहीं वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो मेक्सिको की उस शादी में था जहाँ तुम मिशन पर गए थे। टकीला? तुम वहाँ वेटर थे। अभी बोलो, वो थोड़ा कहीं देखा हुआ है, मैं शक्ल कभी भूलता नहीं हूँ। एक मिनट, किसकी शक्ल? सॉरी अभी आता। जो मुझे मारने आया था, जिसका मैंने सूट बिगाड़ा था, अब वो मर गया। तुमने वुल्फ को मार डाला? वो एक्सीडेंट था। अब मंडे को मुझे बैरी को सब कुछ सच सच बताना होगा। वो भी लग गए, अब क्या करूं? क्या हुआ, अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम्हें बलिविया के वो चंटू मंटू याद है जिन्होंने कत्लेआम मचाया था? वो जुड़वा? वही अलग बाप वाले जुड़वा। कुछ भी कहो, सब जानते हैं वो जुड़वा है। तो उनमें से एक भाई सीधा मेरी तरफ ही चल के आ रहा है और दूसरा स्मशान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। चलो पता चल गया कि वो ब्रीफकेस किसका है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमें बात करनी चाहिए कि फिलहाल मेरे पास किस तरह के डेढ़ जाने आड़े टेढ़े लोग हैं। इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? हेलो, व्हाइट डेथ जानना चाहते हैं कि तुम ट्रेन से नीचे क्यों उतरे? ताजी हवा खाने गया था। तुम्हें ट्रेन पर रहने का ऑर्डर दिया था। देखो मुझे पता नहीं था कि तुम लोग हम पर इस तरह से नजर रख रहे हो। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, हम ध्यान रख रहे हैं कि पैसे और उनका बेटा दोनों सुरक्षित रहे। तो क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? अगर जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, कॉल करने के लिए थैंक यू। ओ तेरी जान निकाल दी तुमने मेरे। वो यहाँ मुझे अच्छा नेटवर्क मिल रहा था, तो जापान है ना। हाँ तो दूसरों की बातें छिपके सुनेंगे साले? फिर से दिख गया ना तो मोबाइल का नेटवर्क अंदर घुसा के एंटीना हिला दूंगा। पहाड़ में गया ये काम, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये गवार साले। अब माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक यंग लेडी बैठी हुई है। तो वैसे आपने सिल्वर ब्रीफकेस लेकर किसी बंदे को यहाँ से जाते हुए देखा? हैंडल पर ट्रेन का स्टिकर लगा हुआ था। मैंने एक आदमी को देखा जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था, वो उस तरफ गया। थैंक यू डियर। इसकी तो बारात निकालूंगा आज। आओ मेरे साथ। काले चश्मे वाला बंदा रोकोस है। हाय, इस टेबल के नीचे एक गन है। नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर, जो भी बोलने का धीमी आवाज में बोलने का। टेबल के नीचे मेरे पास एक गन है, इसलिए अगर हिलने की कोशिश की तो। अबे क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। नीचे एक गन है। मैं तो बस तेरी ले रहा था। जोहान्सबर्ग के बाद हमारी मुलाकात आज हो रही है। सही कहा। वैसे तो है कौन? अच्छा, मुझे पहचाना नहीं भाई साहब? तेरी जैसी सड़ी हुई शक्लें मैं रोज देखता हूँ। ठीक है, वो ब्रीफकेस मेरे कब्जे में है जिसे तू ढूंढ रहा है। तूने वाकई मुझे नहीं पहचाना? नहीं भाई, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। मुझे याद है जोहान्सबर्ग में क्या हुआ। मुझे गोली मारी थी। बहुतों को मारी, वो भी दो बार। वैसे तेरा थोपड़ा गोली खाने माफिक है, ऊपर से तूने काली फ्रेम का चश्मा पहना है। तू वही है जिसने हमारा ब्रीफकेस चुराया है। हाँ मैं वही हूँ। जोबक के बाद मैंने सारे दो नंबर के काम बंद कर दिए, धंधा छोड़ दिया, व्हाइट कॉलर बन गया। मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो बातचीत से हल नहीं होती। हम बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं। ये कौन है? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें कैसे पता कि ब्रीफकेस यहाँ है? मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बचपन से ही लगी रही। फिर मैंने एक दिन खुद को आईने के सामने देखा और सच कहूं, खुद से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई।
नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बाद में मैं बदल गया, समझ गए। अब हमारे बीच एक दीवार है, लेकिन ये बस एक वहम है, और ऐसी दीवारों में अक्सर एक खिड़की होती है। नहीं रुको, दरवाजा। एक मिनट भाई, रुक जा। तो हमेशा ऐसे ही बकवास करते हैं, आज कुछ खास दिन है। हाँ, तू और तेरा पार्टनर। अपना नाम लेमन, उसका नाम टैंजरीन। ओके लेमन, बोले तो नींबू। सही पकड़ा है। तू चाहता क्या है बे? बताता हूँ ना, मैं तुझे ब्रीफ केस लौटा दूंगा और तू मुझे यहाँ से जाने देगा। वो केस तू बॉस को दे देना, वो तुझे जिंदा छोड़ देगा। तू भी जिंदा, मैं भी जिंदा, ओनली खुशी नो गम, सबका फायदा। क्या लगता है तुझे? कैसे पता तुझे काम देने वाला ब्रीफ केस ना लाने पर तुझे ठोकेगा नहीं? फिर जिंदगी में ओनली गम, नो खुशी। देख, मैं बस इस ट्रेन से उतर के किसी गार्डन में शांति से आराम करना चाहता हूँ, समझा? अपन को तेरी ऑफर अच्छी लगी। बढ़िया, पर फिर तूने किसी को टपका दिया। सही कहा ना? ये तुझे कैसे पता? अपन को सब पता। वो तो एक हादसा था। मुझे इस बात का अफसोस भी है। देख, तेरी कहानी धांसू है, पर तू इस ब्रीफकेस के साथ ट्रेन से 9:11 होने वाला था। नहीं नहीं, इस खून का बिल अपने पे फाड़ कर तू व्हाइट डेथ को अपने पीछे लगाकर खुद रफू चक्कर होने वाला था। जैसे थॉमस द टैंक इंजन में कहते हैं, बंदूक तेरी, कंधा मेरा। वो बच्चों का शो? बच्चों के लिए नहीं है। मैंने उस कार्टून से बहुत कुछ सीखा है, एक्चुअली सब कुछ। इसीलिए तेरे एड़े चले एकदम से पकड़ लिया मैंने। व्हिच डीजल? मैं कोई डीजल नहीं हूं। अबे तेरे शरीर में कूट कूट के डीजल हो गया इतना, जितना मैंने आज तक नहीं देखा है। डीजल मामू बनाता है, जैसे तू मेरा बना रहा है। देख भाई, मैं अपने में से डीजल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टेबल के नीचे अगर गन होती ना, तो मैं भी उसके बगल में पड़ा होता। इंटरेस्ट है, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? स्टॉप! ना कहा ना? मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं किया और मुझे लगता है लाश व्हाइट डेथ के बेटे की है। तुम्हें पहचाना तो नहीं? सुना मैंने क्या कहा? व्हाइट डेथ, डेथ, डेथ। तुम
तुमने कहा था मामूली सा काम है। इस ट्रेन पर कोई है जो लोगों को टपका रहा है। पता है वो जुड़वा भाई। ओ हेलो, वो जुड़वा नहीं है। हाँ सर फिर है लेकिन जुड़वा नहीं। वो व्हाइट डेथ के बेटे को लेने आए पर किसी ने उसे ही लुड़का दिया। वो जिसके पास चाकू था वो वुल्फ है। उसने कहा था वो बदला लेने आया है और वो इत्तेफाक से मुझसे टकराया। खून जरूर उसने किया है। सुनो, उस लड़के को उसी तरह जहर दिया था जैसे वो शादी में एल सिग्रेलो को दिया था। वो एल सिग्वारो है, मतलब खूनी है कि? हाँ। मैं तो जीनियस हूँ। सवाला पूरे जापान में डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि एक जहरीला सांप चोरी हुआ है। फ्लैंग सांप का जहर जानलेवा होता है। अगर उसने आपको काट लिया तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपके नाक मुंह कान से खून भी बह सकता है। इसकी तो क्या कर रहे हो? अब क्या हुआ? कहां फंसा दिया मुझे? कारवर तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? एक मिनट के लिए लगा कि तुम मर गए हो। ठीक है, क्योटो यहाँ से 5 स्टेशन दूर है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिमाग के तार हमेशा ढीले ही रहते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आया? शायद तुमने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कैसे आ रहा है और मेरे पास टिकट नहीं है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम समझती नहीं हो, यह आदमी नहीं भटकती आत्मा है, अचानक से सामने आ जाता है। इसने मुझे पकड़ लिया तो टेंजरीन मुझे पकड़ लेगा, फिर मेरा खेल खत्म। खलास, दी एंड। एक मिनट, ए भाई, बैठे बैठे पैसे कमाना चाहता है? कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आया? नहीं बे। ओके, मैं बस मजाक कर रहा था। हाँ बोलो, क्या चाहते हो तुम? जल्दी बोलो, वादा करता हूँ ज्यादा दर्द नहीं होने दूंगा। वो डराओ मत, क्या तुम्हें भी मैं पसंद आ गया हूँ? छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे जब तक कि तुम ये ब्रीफकेस खोल नहीं देते। जानती हो
ऐसा करने में नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे नंबर से स्टार्ट करके देखो। ऑल द बेस्ट। ये उसमें आगे साला हाथ से निकल गया। मेरे लिए अगर हमें जिंदा रहना है तो व्हाइट डेथ के बेटे के कातिल को हमें उसे सौंपना पड़ेगा। लेकिन वो लंगूर कातिल नहीं है, और हमें क्या रहे पता है। उसकी पूरी खुली पड़ ली है। एक बात बता, तुझे अपने हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे घड़ी घड़ी क्या डरा, तो किसी को तो बकरा बनाना पड़ेगा ना। 13 बज रहे हैं मेरे। शिट, वो साला फोन लेकर भाग गया। भूल जाओ, भी लेकर चला गया यार। अभी ध्यान रखना चाहिए, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? अगले स्टेशन पर लड़का और ब्रीफकेस दोनों लेकर उतर जाओ। अगले स्टेशन पर क्यों? तुमने क्योटो कहा था। उतरोगे तो क्योटो पर ही। व्हाइट डेथ देखना चाहते हैं, तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुम्हारे आका को हम पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस हमें दिखाना है कि ब्रीफकेस हमारे पास है और उसका मरा हुआ बेटा जिंदा है। तो क्या प्लान? प्लान नंबर 420। सबको नीचे उतरने के लिए कहा था। हुआ सर। देख भाई, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूँ, हर काम को करने का एक तरीका होता है, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम जैसे जोकरों को ये सब पता नहीं होता। तेरा भाई कहाँ है? टैंजरीन। टैंजरीन मैं ही हूँ। लेमन ब्रीफकेस के साथ अंदर बैठा है। व्हाइट डेथ का बेटा कहाँ है? हाँ, वो भी है। वो देखो जन्नत की सैर कर रहा है। पर अब मुझे ट्रेन में जाना होगा, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, तो फिर मिलते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, हम क्योटो में मिलेंगे। और एक एहसान करना, बार बार बच्चों की तरह कॉल मत करो यार। बार तो बाल बाल बच गए। हाँ, उम्मीद है उन्हें शक नहीं हुआ होगा। हमें उस चश्मे वाले को ढूंढना होगा, वक्त बहुत कम है। अब हम दोनों अलग अलग जाएंगे, उसे देखते ही हम ठोक देंगे और काम खत्म करने के बाद यहीं पर मिलेंगे। ठीक है। किस तरफ जाऊं? उस तरफ। मैं इस तरफ जाता हूँ और इस बार माल लेकर ही लौटेंगे। पर देख भाई, ध्यान रखना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है आस पास कोई तो डीजल है। तू भूल गया ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं बंदूक से मेरा भेजा उड़ा देगा। बिल्कुल सही। थॉमस से अपन ने लोगों की नियत पहचानी सीखी है। अच्छा। और अपन इस मामले में कभी गलत हुआ है? पता नहीं। चश्मे वाले ने उस लौंडे को नहीं मारा है। ठीक है, पहले उसे गोली मारना और फिर लाश से माफी मांगना। ऐसा ही होगा। और सुन लेमन, अब क्या है वह? अपना ख्याल रखना भाई। ट्रेन बहुत हिल रही है, लगता है ड्राइवर ने दारू पी रखी है।
बस 7 मिनट और, फिर मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा। क्या तुम किसी वॉशरूम में छिपे बैठे हो? हाँ, तुमने कभी ऐसा स्मार्ट टॉयलेट देखा? लाइफ में इतना मजा कभी नहीं आया। अगर घर पे ऐसा टॉयलेट होता ना तो अपनी सुहागराती यहीं मना लेता। बकवास मत करो, जरा अपनी हद में रहो। तुम्हें भी लकी बना दिया। ये तुम कर क्या रही हो? मैं बस वही कर रही हूँ जो मैंने तुम्हारी गन के साथ किया था। बस खेल को इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। इतना समझ लो कि मैं कोई रिस्क नहीं लेती। मतलब अगर इस गन ने उसकी जान नहीं ली तो ये ब्रीफ केस लेगा। तुम्हारा मतलब है ये गन कभी भी मेरे हाथ में पड़ सकती है? नहीं नहीं नहीं, जब तक ये फायर नहीं करोगे धमाका नहीं होगा। पर फायर मत कर, वरना पता है ना। अब बस मुझे इस ब्रीफ केस को बंद करना है। ये बहुत ही रिस्की काम है। ओके, क्या तुम जानते हो कि आज तक व्हाइट डेथ पर 31 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं जो कि उसी के लोगों ने किए थे। उसने हर बार हमलावर को उसी के हथियार से मार डाला। तो मेरी बात समझ रहे हो? किमुरा, मैंने तुम्हारी हार पर दांव खेला है। तुमने मेरे बेटे को छत से धक्का दिया। सही कहा। मुझे इस ट्रेन पर बुलाया ताकि जब मैं उस पर हमला करूं तो वो मेरी गन छीने और मुझे मारने की कोशिश करे और गन उसके हाथ में पड़ जाए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बकवास प्लान है तुम्हारा। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। गर्म पानी की धार। उसे दिल का दौरा पड़ा था ना? नहीं, ऐसा बोला गया था। उसे जहर दिया था। उसे मारने वाले कातिल का नाम है हॉर्नेट। मेरी आंखें। उसने बोन स्लैग सांप का जहर इस्तेमाल किया था। उसे खून जमकर शरीर के हर छेद से बाहर निकलने लगता है। अगर 30 सेकंड के अंदर दवा ना दी जाए तो मौत पक्की समझो। मजे की बात बताऊं, ये वही जहर है जिससे मारा गया था। एल सिग्रेलो नहीं, एल सिक्वारो। और आखिर वो हॉर्नेट इस ट्रेन में क्या कर रही है? देखो, उसके साथ कोई सीक्रेट डील की गई है जो हमें नहीं पता। कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मेरा पेट खराब है मैडम। दिमाग भी खराब लग रहा है। वुल्फ को पता चल गया होगा कि ये हॉर्नेट कौन है और फिर क्या अपनी बीवी और बॉस का बदला लेने और हॉर्नेट की बजाने यहाँ आया था। क्या कहा, बचाने आया था? तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? ये बहुत सारा जाप लगता है। अगर मुझे पता चला कि हॉर्नेट कौन है तो मैं उसे लेमन और टेंजरीन को सौंप दूंगा ताकि वो मुझे न ठोके। देखा ना मैंने पहले क्या किया। इससे ना मैं इसकी आत्मा यहीं पर क्यों अटकी है? देखो आंटी, मुझे मेरे पास भी है। तेरी तो रुक, मुझे बोले। मैं जानता हूँ बच्चे को किसने डाला। हार्ड में गया। तू पहले ये बता कि ब्रीफ किसका है। हाँ, सॉरी, प्लीज आइए ना, आइए। थैंक यू। क्या आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मुझे पानी मिल सकता है?
इनमें से कौन सा लेंगे सर? अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जैसे फ्लेवर्ड सोडा? यही चाहिए था। तोमोरी गादो। अरे वाह, अरे यार, मैंने अपना सारा पैसा वो टोपी और चश्मे वाले को दे दिया, तू भर देगा? इस पानी की बॉटल के कितने हुए? 1,000 येन सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। इतना महंगा पानी, इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारी का दो। चाहो तो हम बात भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मोटी है। ऐसा क्या? लड़के को किसने मारा? अच्छा, तो फिर बता अभी वो कहाँ पर है? वो इसी ट्रेन में है। इसका मतलब कि वो तू नहीं है? उठाना चाहिए। कुछ जरूरी हो सकता है। हाँ, शायद ये जरूरी हो सकता है। कहाँ गया फोन? हाँ बोलो, क्या हुआ? व्हाइट डेथ का ऑर्डर अगले स्टेशन पर ब्रीफकेस लेकर उतरो, वरना ट्रेन में मौजूद सबकी जान ले लेगा। ठीक है, मैं तो उतर जाऊंगा, पर लेमन थोड़ा इस वक्त बिजी है। इस बार तुम दोनों चाहिए ब्रीफकेस के साथ, वरना सब मारे जाएंगे। ये लोग सीधे मुंह बात ही नहीं समझते। वैसे वो ब्रीफकेस तुम्हारे पास नहीं है ना? नहीं यार, स्टेशन आने से पहले मैं 11 तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे पास उसका फोन है, उसकी गन भी है तुम्हारे पास? गन तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर तो आज खेल खत्म। पता है, तुम जितने दिखते हो ना उससे बड़े वाले कमीने हो। तसल्ली इस बात की है कि तुम भी आज मरोगे। ये अच्छा बोला तुम। अच्छा एक बात बता, उन लोगों ने कभी लेमन को देखा है क्या? वाह, तुम दोनों तो वाकई में जुड़वा लगते हो। हाँ, जो भी हो, ब्रीफ केस मिल गया है, अब क्या करना है? तुम दोनों को अभी भी क्योटो स्टेशन उतरना है। ठीक है, काम हो गया, चलो सकते। रुको, तुमने इसे खोल कर देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इसका कोड भी नहीं पता, मैं खोलूंगा कैसे? खोलने का सवाल ही नहीं। क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हाँ पता है, I'm sorry। अपना बैड लक कभी खत्म ही नहीं होता। और सही खासा है क्या? तो तू मतलब वहां पर क्या कर रहा था? हीरोगिरी कर रहा था? उनको मना रहा था बस। नहीं, तुझे क्या लगता है वो अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ जोड़ने के लिए वहां खड़े थे? हाँ, पर वो मान गए थे, वो मेरी बात मानने वाले थे। तुमने साबित कर दिया तुम बाकियों से ज्यादा चालाक हो, तुम जीत गई। प्लीज प्लीज लड़की, अपने आदमी को फोन करो। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारा बेटा, जानते हो तुम्हारे बेटे को मेरे पीछे पीछे छत पर ले जाना कितना आसान था? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये जानने में 3 घंटे लगेंगे कि तुम्हारा बेटा गायब है। तुम एक बहुत ही घटिया बाप हो, और तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगतने वाला है। तुम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते।
वो बेरहम होती है, तुम बस एक बिगड़ी हुई लड़की हो जो बस अपनी इज्जत के लिए अपने माँ बाप तक की जान ले सकती है। माफ करना, अपुन को तुम दोनों के मामले में नहीं पड़ना है, मुझे बस इतना जानना है कि क्या तुम दोनों ने किसी सड़ी हुई शक्ल वाले आदमी को देखा है जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहना है, नहीं। या फिर कोई सिल्वर केस जिसके हैंडल पर ट्रेन का स्टिकर लगा हो। मुझे तो ऐसा कुछ याद। अंकल किमोरा, क्या आपने कोई सिल्वर ब्रीफ केस देखा जिस पर ट्रेन, क्या आपने कहा ट्रेन का स्टिकर था हैंडल पर? हाँ, ये तो ट्रेन का स्टिकर हैंडल पर लगा था। नहीं, मैंने ऐसा ब्रीफ केस नहीं देखा, नहीं तो मुझे याद रहेगा। अंकल किमोरा, तुम दोनों ख्याल रखो। वैसे अपन को एक और बात बोलनी है, ज्यादातर लोग सूटकेस कहते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम एक बुलेट ट्रेन में हैं और रात भर का सफर है, पर तूने ब्रीफकेस कहा और अपन ने ब्रीफकेस बोला ही नहीं। लगता है अपन को डीजल मिल ही गया। जानता ना क्योटो में अपने साथ क्या होने वाला है। हमें इस ट्रेन से उतरना होगा, इसी बात। अगर तुम्हें लगता है मैं लेमन और ब्रीफकेस के बिना ट्रेन से उतर जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ओके, तेरा ब्रीफकेस फर्स्ट क्लास लाउंज में पड़ा है बाहर काउंटर के पीछे कचरे के डिब्बे में, चले गया। और मैं यहाँ से 9-2-11 होकर एक मंदिर ढूंढकर वहाँ बैठकर अपने को सुधार लूंगा। तो तुम्हारा प्लान अच्छा है पर तुम समझ नहीं रहे, मुझे एक बलि का बकरा चाहिए। तुझे बलि का बकरा चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ गंदा है पर धंधा है। मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे सही सलामत व्हाइट डेथ को सौंपूं या फिर तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके थैली में भर के उसे सौंपूं। बस यही कश्मकश चल रही है मेरे दिमाग में। या क्या तेरे पास कोई और आइडिया हो तो बता। तू जानता है हमारे बीच में एक दीवार है, पर ये बस एक वहम है, एक छलावा समझ ले। और ऐसी दीवारों में अक्सर एक खिड़की होती है, खिड़की को एक मौका समझ ले। नहीं यार, ये एक दरवाजा है, उस खिड़की के अंदर एक दरवाजा है। देखो तुम क्या बोल रहे हो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि दरवाजा बंद हो रहा है। अब सिर्फ एक सवाल है, तुम में से डीजल कौन है और कौन है डक? क्या डक? हाँ, ये कार्टून शो है। थॉमस द ट्रेन इंजन। गलत जवाब, थॉमस द टैंक इंजन। प्लीज सर, इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है और इसने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स से फिरौती के पैसे मांगने वाला है। माफ करना, मैं अच्छी एक्टिंग देख के खोसा जाता हूँ, अवार्ड मिल जाएगा। अब उनका भेजा बोलता है कि असली मास्टरमाइंड ये हिलने वाला चिलगोजा है और अपन लोग पढ़ने में माहिर है और अपन को लगता है कि तू बहुत डेंजर है। तो एक काम करते हैं, मतलब तुम दोनों को तो टपका नहीं सकता, फिर अपन को जवाब कैसे मिलेगा? वैसे एक आइडिया है, तुम दोनों को भी जमेगा, क्यों ना हम सब मिलकर एक गेम खेलें। हाँ, जिसको गेम खेलना है अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ऐ शाबाश, पहले से हाथ ऊपर है। अब तुम दोनों आंखें बंद करो और फिर अपन तीन तक गिनेगा। तुम में से जो भी बॉस है वो अपना हाथ ऊपर करेगा और जो बॉस नहीं है दूसरे की ओर इशारा करेगा। अगर साथ में हाथ ऊपर किया या एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाई तो मैं समझ जाऊंगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैं तुम दोनों का भेजा खोल दूंगा। तुमने कहा था दोनों को गोली नहीं मारोगे, वरना जवाब कैसे मिलेगा? बात तो तेरी सही है, लोचा हो गया। कभी कभार पहले गोली चलाने से जवाब अपने आप मिल जाता है। एक, या तुम्हारी कॉल करने के बाद मेरी कॉल नहीं उठाई। दो, बता रहा हूँ मार। तीन, सपना तो नहीं।
टिकट तो कट गया। मेरे बैग में एक वायर है और मुझे लगता है कि उससे शायद मैं दरवाजा बाहर से लॉक कर सकती हूँ। मैं बहुत डर गई थी। उसने कहा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी या अगर मैंने चालाकी दिखाई या मैं चिल्लाई तो वो मेरा ऐसा हाल करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर तूने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अच्छा, उसने तुझे किडनैप किया और फिर उसने अपनी गन तेरे को दे दी। हां मुंह बंद। देखो मुझे प्लीज, मुझे गन चलानी आती भी नहीं है, मेरा यकीन करो। अबे तू कितनी बड़ी नौटंकी बाज है यार, तू बहुत सही है। तूने कुछ कोर्स वर्स किया है क्या? मतलब तू बिल्कुल भी नहीं डरी और तू रो रही है, आंसू निकल रहे हैं क्या? आंसू एक्टिंग कर रही है यार। कोई चटी से तेरे को तो मानना ही पड़ेगा। मैं बस प्लीज, मैं बस एक मासूम लड़की हूं। अबे इतनी कड़क एक्टिंग कैसे कर रही है? अबे कोई खेल कर दो यार इसे। प्लीज प्लीज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे तो मैं हिलना मत दूँ। दुनिया के क्या क्या उनके साथ लेमन साहब का फेवरेट है। मेरी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए था। ये तूने कैसे किया? मुझे नहीं पता, शायद मैं बस बहुत लकी हूँ। डैड शरीर को बोलना, उसे बोलना। हेलो यूई जी, तुम इस वक्त कहाँ हो? यूई जी अपना फोन बुलेट ट्रेन में भूल गया है। अगर फोन चाहिए तो क्योटो स्टेशन पर आके ले लेना। क्योटो फाइंड माय फोन ऐप डाउनलोड कर लो। ओह, तुझे फोन मिल जाएगा। निकल गई 47 मिनट पहले। ये तो पेस्ट्री शेफ थे। हमें तुरंत किसी को बताना चाहिए अगर डर दिया। सुन कमीने, पता है ना एक बार ये चुप जाए तो क्या होगा? हाँ जी, पहले खून जमेगा, फिर नसें फटेंगी और तुम्हारी आंखों से गुंडे निकलेंगे। बचेगा नहीं साले। सूचना से पहले जाऊंगी। लाओ तो मुझे। मुझे पैसों का वादा किया था। किसने? पता नहीं, ऑनलाइन बात हुई थी। उसने कहा मेरे पैसे सूटकेस में हैं। क्या किसी ने व्हाइट डेथ के पैसों से उसी के बेटे को टपकाने की सुपारी दी? वाव, चालू खोपड़ी है। ऐसी खोपड़ी। वाह,
करने के लिए तैयार है कमीने। देख तू ये ब्रीफ केस लेके जा। हाँ पर तूने मेरा चेहरा देख लिया साले। एक ही दवा है साथ में और लेके आना चाहिए था। अच्छा गहरी सांस ले मुझे माफ करना। तेरी कोई आखिरी इच्छा जैसे वैसे ये तेरे बाबू की सजा है। पानी तू थोड़ा पानी पीना चाहेगी? नहीं मुझे कंबल चाहिए या बेजोरी सी लोरी गा के सुनाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। सच में खराब है। इतना कि खराब को भी बुरा लग जाए मुझे ट्रेन से उतरना होगा। ब्रीफकेस तुम्हारे पास है? हाँ। तुम फिर से घुटने पकड़कर जमीन पर बैठे हो? मैं जमीन पर नहीं बैठा हूँ। तो उठकर खड़े हो जाओ। तुम्हें हर बात कैसे पता चल जाती है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे लिखना है, मैं डायरी लिखूंगा। लेडीबग बोलो। सांस लो, गहरी सांस लो। हम मंजिल के बहुत करीब है, तुम्हें बस हिम्मत जुटानी है। सही कहा। अब सच्चाई पता चल गई है। तूने वादा किया था मेरे बेटे को जिंदा वापस लाने का, मेरे पैसे लौटाने का। सच कहूं मैं वैसे तो नहीं जानता बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरा बेटा और मेरे पैसे इस तरह खतरे में होते
तो मैं अपनी बीवी का मातम मनाना बंद करता और अपना अड्डा छोड़कर बाहर निकलता और यहाँ आकर अपने बेटे को बचाता। पर अब जब हम दिल खोलकर बात कर ही रहे तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं तेरे बेटे को किसने मारा है, लेकिन जिसने भी मारा है सच में कुत्ते की मौत मारा है। अब बात रही ब्रीफ केस की, तो मैंने टोक्यो के बाद उसे नहीं देखा है। उम्मीद करता हूँ वो ब्रीफ केस किसी को मिल गया होगा और वो तेरे पैसों से जिंदगी भर ऐश करेगा। तो स्टेशन पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। ओ क्या बात है, मैं भी तुमसे मिलने को उतावला हो रहा हूँ। तुझे और तेरे भाई को मारते वक्त मुझे तेरी आंखों में मौत का खौफ देखना है। मेरा भाई 24 साल पहले वैसे सुबह के पैसेंजर से ये ट्रेन भर रही है। हाँ तो अब तू क्या करेगा, अपनी गन लेकर ट्रेन में घुसेगा और लोगों से खसाखस भरे डिब्बे में इतने सारे लोगों के सामने मुझे मार डालेगा? उस ट्रेन पर तेरे अलावा कोई नहीं है, जानता है क्यों? क्योंकि आखिरी स्टेशन तक सारी टिकट्स मैंने खरीद ली है। तुम, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम वही लड़की हो ना? हाँ, मैं चेहरे कभी नहीं भूलता। अच्छा हुआ कि तुम मुझे प्लीज मेरी हेल्प करो। यहाँ एक आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था, उसने चश्मा पहना है और उसने मेरे अंकल को भी मार दिया। उसने एक और आदमी को मारा जो पता नहीं क्या बार बार कह रहा था किसी थॉमस ट्रेन के बारे में। थैंक यू जी। हाँ ऐसा ही कुछ, उसने दोनों को मार डाला और वो कह रहा था कि वो किसी के पैसे चुरा के यहाँ से निकल जाए। माफ करना लड़की, मैं कुछ समझा नहीं। पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं बस एक लड़की हूँ जिसे नागोया पर उतरना था, पर फिर वो आदमी आया। अरे पर नागोया तो कब का चला गया? मैं जानती हूँ, पर वो आदमी वो कह रहा था कि मैं उसका बैकअप प्लान बन सकती हूँ और लड़की बंदी होगी तो कोई कुछ नहीं। हाँ वैसे उसने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लीज बस मेरी मदद करो। ठीक है मैं करूँगा, शांत हो जाओ। तुम्हें उतरना है उधर जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी पता नहीं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्या तुम ठीक हो? डी सर, सबसे कमीना शातिर धोखेबाज, सबसे खतरनाक विलन। देखो लेमन, उसकी आत्मा को शांति मिले, वो सबसे अलग था। लोगों को पहचान लेता था, उनकी असलियत जान लेता था, और उसने कहा भी था कि इस ट्रेन में डीजल है और यहाँ पर लोगों की बहन बचा रहा है। और ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है ना कि इतने क्यूट चेहरे के पीछे डीजल छुपा हो सकता है। तुमने लेमन का खून बहाया, उसका खून कोई नहीं बहा सकता। ओह माय गॉड, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कमीने, तू जानता नहीं, तू साले। सच में तू डीजल है, पता नहीं और क्या क्या होगा। नहीं क्यों बसता? उसने कहा कि वो तुम्हें मार डालेगा और सारा इल्जाम तुम पर लगा देगा। उसने ये भी कहा कि क्योटो स्टेशन पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है जो बहुत बुरा है और मुझे मारना चाहता है। तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, रिलैक्स कर, हम इस ट्रेन से उतर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं आ सकती। देख तू अंदर ही फंस जाएगी। नहीं हो रहा।
होगा, अकल घुटने में ही इसकी है। गलती तेरी नहीं है, दरअसल मेरा लकी सलाम लकी है। तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, वही करना जिससे दिल को चैन मिले, क्योंकि बाकी सब तो पानी कम चाहे। और कभी कार्वर नाम के बंदे से मुलाकात हो, कमीना है साला, उसको बोलना मैंने उसको गाली दी है। पास थी, मैंने सोचा इसकी मदद से तुम उसे मार पाओगे जो वो अगले स्टेशन पर हमारा वेट कर रहा है। तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना? सच बताओ, मुझे सच बताओ। वहां तुम्हारे साथ कौन है? तू कौन है? अच्छा देखता हूँ, सुन, तेरा थोबड़ा कुछ अजीब है, तो तुझे पुराना लगे तो जाके दूसरे सीट पर बैठेगा जो यहाँ से बहुत 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 दूर होगी, ताकि मुझे तेरी शक्ल बार बार ना देखनी पड़े। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम ही चलते हैं, ये बैग उठा लेता हूँ। क्या वो एक सांप था? बता सकती हो मेरा बेटा कहाँ है? जिसने मेरे पोते को छत से नीचे फेंक दिया था, क्यों? तुम्हारा बेटा, वो क्योटो स्टेशन पर वाइट डेथ को मारने में मेरी मदद करने वाला था, और उसे इस ट्रेन पर लाने का ये इकलौता तरीका था। वाइट डेथ? बिल्कुल सही, पर वो इतना सा काम भी नहीं कर पाया, तो वो मर गया। लाश वहां पीछे पड़ी है, वो दोनों मर चुके हैं। कैसे सोच लिया कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा? मेरा पोता महफूज है और मेरा बेटा मरा नहीं है। देख साले, इस अंकल की बस एक बात याद रखना लड़की, आज तक मैं तुमसे ज्यादा टेढ़े और जानलेवा लोग देख चुका हूँ। हम इसको ढूंढ काटा, अंदर सांप है, खोलना मत। तुम ठीक हो ना? तू इस बात पे यकीन नहीं करेगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने जहर की दवाई ली थी, तो अब बच जाऊंगा शायद। वो लड़की, वैसे तुम्हें लेकर उसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। अच्छा, उसे देखकर कोई अंधा भी बोल देता कि वो लड़की कितनी शातिर है। आमतौर पे मैं इतना फद्दू नहीं हूँ, लेकिन सारी क्या एक्टर निकली। तूने क्या किया? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, किस्मत तय करेगी उसका क्या होगा। क्यों, किस्मत वाली बात पर हंस क्यों रहे?
बताओ, किस्मत तो हमेशा से मेरी बस लेती ही आई है। बैड लक मेरा पीछा ऐसे करता है कि क्या बताऊं, गाड़ी के पीछे कुत्ता। मेरी बॉस मुझे लेडी बग बुलाती है, कमाल की चीज है। लेडी बग? हाँ, ये तो बहुत लकी चीज है। नहीं, वो बस मेरी टांग खींचती है। छोड़ना, तू नहीं समझेगा। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं, रहने दे। छोटी सी। आज मूड नहीं है यार। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं, शायद तुम इससे कुछ सीख सकते हो। ठीक है, सुना। तो फिर सुनाओ। आज से परसों पहले मैंने अपने आप से वादा किया था, भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। जानते हो, अपनी काबिलियत के दम पर मैंने मिनी किसी गैंग में अपनी जगह बनाई थी, पर किसी ने मुझसे मेरी जगह छीन ली जो उत्तरी दिशा से आया था। मैंने मिनी किसी से कहा था इस आदमी पर भरोसा मत करना, तो उसने कहा कि अब मुझ में वो आग नहीं रही। वो गलत नहीं था, लेकिन गलत मैं भी नहीं था। लौटा तो वहां कुछ नहीं बचा था, चारों तरफ खून और राख थे। व्हाइट डेथ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ। जाकर कहीं छिप गया और व्हाइट डेथ को मिटाने के लिए सही मौके की तलाश करता रहा, अपने परिवार को खतरे में डाले बिना। पर मैं कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाया। कभी सोचा नहीं था कि किस्मत मुझे अपना हिसाब चुकता करने का एक और मौका देगी। पता है जापान में लेडी बग को क्या कहते हैं? तेंतो मुशी। जब मैं छोटा था तब मैंने सुना था कि उसकी पीठ पर धब्बे होते हैं जो दुनिया के साथ दुख बयान करते हैं। अब समझे, दिन तो मुझे खुशकिस्मत नहीं होता, वो सारी बदकिस्मती खुद में समेटता है ताकि बाकी सब सुकून से रह सके। ताऊ, कौन सा नशा करते हो यार? आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी बदौलत तुम यहाँ पर हो। किस्मत जो बचपन से खराब है। क्योटो स्टेशन पर व्हाइट डेथ इस ट्रेन पर चढ़ने वाला है और अब मैं जाकर बदले की आग बुझा पाऊंगा। मेरा बेटा इसी ट्रेन में मौजूद है, अगर इस ट्रेन से उतरने में तुम उसकी मदद करो तो। ये साला व्हाइट डेथ किसी को भी ट्रेन से जिंदा उतरने नहीं देगा। व्हाइट डेथ की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। बग, आपका ब्रीफ केस। थैंक यू। पिताजी, आप यहाँ कैसे? किस्मत का खेल है बेटा। क्या बता रू, ठीक है? वो सुरक्षित है। ये बंदा इतना बुरा भी नहीं था, इसी ने मुझे गोली मारी। मुझे भी दो बार, फिर भी ये दिमाग। अब यार,
जैकेट ने बचा लिया। ओ, तू वो पानी घटक गया। इस वक्त अपन का भाई किधर है? सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। तूने मेरे भाई को मारा, तूने मेरे भाई को मारा साले कर्मी ने, तूने तूने मुझे गोली मारी इसलिए बहुत तेरे भेजे में गोली उतार चुकी है उस चिकनी सफेदी को ही गोली मार। क्या कर रहे हो? गुस्से की बोतल को शांति का ढक्कन लगाओ यार और मेरी बात ध्यान से सुनो। अबे तुझे तो मैं हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। क्या कर रहा तू मेरे साले? गोलियां उतारनी चाहिए थी। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं ना तो खुद की चार उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। इंसान को दोष नहीं देता बल्कि किसान को देता है जो उसे लगाता है। वैसे ताऊ तू पेशे से किसान, मतलब फल किसको क्या दोष देगा, उसको तो खाया जाता है। सुनो, व्हाइट डेथ ही वो किसान है तो हम सब फल है। एक दिमाग का दही मत कर सालों। तुम क्या बोल रहे हो? कमी ने मेरे भाई को मारा है। तुमने मेरे बेटे को गोली मारी। हम एक साथ लड़ेंगे या एक एक करके मरेंगे? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट डेथ खुफिया कातिलों के साथ तुम्हारी राह देख रहा है। वो पूरे जापान के खूनी दरिंदे हैं, पर वो ये नहीं जानता कि मैं और मेरा बेटा इस ट्रेन में है। अगर किस्मत ने चाहा तो आज मेरा मतलब पूरा होगा। मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, जितने लोगों को रोक सकता हूँ रोकूंगा। अपन ड्राइवर के केबिन में जाएगा और ट्रेन को फुल स्पीड में पकड़ेगा। और तू क्या करने वाला है? जो वर्क उनका ध्यान बढ़ाने वाला हूं। डेथ से मिलना चाहता हूँ, उनका ब्रीफकेस मेरे पास है।
आराम से यार। जैसा करोगे वैसा मरोगे। मैं आपको देखना चाहती थी ताकि आप भी मुझे अच्छे से देख सके कि मैं असलियत में कैसी हूं। मैंने बिना आपकी किसी मदद से खुद को इस काबिल बनाया है ताकि मैं फक्र से आपके सामने खड़ी होकर इस ट्रिगर को दबा सकूं। वो मैं थी जिससे आपको अपना वक्त देना चाहिए था और अपना प्यार। मैं हर मामले में आपके उस कमीने बेटे से बेहतर थी। तो टपक गए पर अच्छी खबर यह है कि ब्रीफकेस मेरे पास है। अच्छा अच्छा, ये ब्रीफकेस चेक करो। ट्रेन की तलाशी लो। थॉमस मेरे दोस्त, तेरा टाइम आ गया। अबे यार, सब कुछ जापानीज में लिखा है और थॉमस का एक भी एपिसोड जापानीज में नहीं है, क्या करूं? बैठ जाओ यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता इस केस में क्या है। अबे तू क्या बात कर रहा है, पता नहीं ऐसे कामों के लिए हमेशा हमें ही क्यों चुना जाता है। तू चुपचाप ब्रीफ केस खोल, साले मुझे मेरे हाथ प्यारे हैं। मिस्टर डेथ, एक सवाल पूछूं? वो अनजान आदमी जिसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और सबको ट्रेन में ठूस दिया, मैं, हॉर्नेट, टेंजरीन, लेमन, तो वो तुम थे, है ना? बहुत चालाक हो, मैंने तुझे ट्रेन पर भेजा था कि तुम एक दूसरे को मार डालो। अच्छा, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे यार, आखिरी इच्छा समझ कर बता दो। अगर कोई खतरा नहीं है तो खुद क्यों नहीं खोलता? अगर इसमें बम हुआ और बैग खोलते ही फट गया तो ये बंडल मास क्या हमारी जान बचा पाएंगे? उस रात दिए गए धोखे का बोझ तुम्हारे कंधों को झुका रहा है। आज मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दूंगा। मेरी बीवी, उसे छीन लिया गया मुझसे। हाँ, पता चला, सच में बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दर्द हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। जिंदगी में बेवजह कोई हादसा नहीं होता। वो मुझे मारने की एक कोशिश थी, पर किस्मत दो हथियारों को एक साथ ले आई। वो दोनों बोलिविया में एक मिशन पर थे। उन्होंने मेरे पूरे क्रू को काट डाला, फिर मुझे खुद वहाँ जाना पड़ा था। और उसने ये जिम्मेदारी किसी ऐरे गैरों को नहीं सौंपी है लेमन, उसने उन्हें चुना जिन्होंने बोलिविया में धमाल मचा दी थी। और इसीलिए बदकिस्मती से उस रात कार में
मेरी बीवी थी, मैं नहीं। किस्मत ने मेरी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी पसली का एक टुकड़ा उसके दिल को चीर रहा था। दुनिया का सबसे काबिल कार्डियोवैस्कुलर सर्जन ही उसकी जान बचा सकता था, पर दो दिन पहले ही उस सर्जन को किसी ने जहर दे दिया। मेरी आंखें। किस्मत फिर जीत गई। उसने कहा मेरे पैसे सूख गए हैं। बुरा लगा तो माफ करना भाई, पर तूने अपने बेटे को मारने की सुपारी उस हॉर्नेट को दी थी? अच्छा, मैंने दी थी। मेरा बेटा कमीना था। उस रात मैंने बीवी से कहा था घर से मत निकलना, मेरा इंतजार करना, पर उसने वादा किया कि बस ये आखिरी बार उसे मुसीबत से बचाएंगे। मैं आऊंगी बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और उसकी ये बात सच हो गई। अगर मैंने सालों पहले उस कमीने को खत्म कर दिया होता, मार दिया होता, तो मेरी बीवी आज भी मेरे साथ होती। हाँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अब मेरे पास एक बोल बच्चा बनवा है। मैं बहुत चाहता था, जाते जाते वो मुझे एक सबक सिखा गई। अगर किस्मत को अपने काबू में नहीं रखोगे तो कभी जीतोगे नहीं। इसलिए मैंने सब अपने काबू में ले लिया, उन सबको मरने के लिए यहाँ ले आया। पर अब उनमें से सिर्फ एक बचा है, मिस्टर गार्वर। क्या कहा तुमने? गार्वर की जगह मुझे चुना? बीमार पड़ गए, कमीना गार्वर। मेरी बीवी की जान लेने वाला हत्यारा। भाई अबे खोल इसे। खोलता हूँ, अब खुश। मैं गार्वर नहीं हूँ। उस तरफ आ गए। ईश्वर हो जाए। अबे यार कुछ तो हो रहा है। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारी बेटी ने मेरे पोते को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। बच्चों की परवरिश के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। तू यहाँ क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, पर मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरी बीवी के पास पहुंचा दूंगा। किस्मत ने आज हमें फिर एक दूसरे के रूबरू खड़ा किया है। ओके, रुक जा भाई, स्लो हो जा मेरी जान, चलना। अब तक तो सब ठीक जा रहा है। अब तू ट्रेन रोक सकता है। वो क्या है ना, अब उन्हें ट्रेन की स्पीड को उसके वजन से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद अपन को पता चलता है कि अपन को बुलेट ट्रेन चलाना नहीं आता है। भाई तो 24 घंटे सिर्फ ट्रेन की ही बात कर रहा है। ट्रेन है और मैंने उससे जिंदगी के बारे में बहुत सीखा। नीचे जो
निकाल रहा हूँ, तू ट्रेन को रोक। क्या? पहले एक एक जलेबी हो जाए। हाँ।
पिताजी, पिता हमेशा परिवार की रक्षा करता है। दिल मैं नहीं हूँ, तू गलत समझ रहा है। मैं कारवर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ छोटे मोटे काम करता हूँ। कारवर, मुझे कारवर चाहिए, मैंने उससे काम दिया था। नहीं, उस साले का तो पेट खराब हो गया, तो उसकी जगह मैं आया हूँ। तू उसकी जगह आया है? शायद तुम जानते नहीं, पर कारवर कमीना है, सबसे खतरनाक खूनी है और सबसे आलसी भी। पर छोड़ गया, अब तो जो हुआ वो भूल जा यार। मुझे यार मत बुलाओ। ठीक है, मैं बहुत लकी हूँ, इसीलिए मेरे बाप की लाश मेरे कदमों में पड़ी है। ये लड़की एकदम भेजा फ्राई है यार, बोले तो बाउली कम है। और अब मैं तुम सबको। रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या हुआ साले? इस फैमिली की प्रॉब्लम क्या है यार? तुझे कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। मैं बताता हूँ, सर्वाइविंग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या? ये तो पढ़नी ही चाहिए। नहीं, अब मैं हूँ वांटेड। अब ये क्या? ये कर्म का फल मिल गया ना? अलविदा टेंटोजी। टेंजरीन। वाह, वो गन ले लो। क्या कहा तुमने? बचाने आया था। हम मंजिल के बहुत करीब हैं, तुम्हें बस हिम्मत जुटानी है। मुझे बचाने आई हो क्या? क्या तुम्हें बचाने की जरूरत है? तो मुझे बचाने ही आई हो। प्लीज, अब कोई ड्रामा मत करना। मरिया, तुम रुको, प्लीज कंट्रोल। और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम रो रहे हो? ये खुशी के आंसू हैं।
बस इतना जान लो कि तुम दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत बॉस हो। तुमसे बेहतर और कोई नहीं, कोई भी नहीं। लगता है तुम्हारे दिमाग पे भी चोट पहुंची है। थोड़ी सी। अच्छा, चक्कर आ रहा है। तो केला खाना चाहोगे? वैसे भूख तो लगी है। मेरी कार में पड़े हैं। सुनो, अगली बार गन लेकर जाना, बैरी की बात मत सुनना, समझे? सब अच्छा होगा। अब बस भी करो, रोना बंद करो। सच कहूँ, तुम्हारी एक बात सही थी। हमेशा होती है। अब चलो। शायद अच्छा बुरा सब कुछ अपनी सोच पर निर्भर होता है। जैसे शायद अच्छी किस्मत बुरी किस्मत ऐसी कोई बात नहीं होती। शायद हम सब किस्मत के गुलाम। ओ, बढ़िया कार है। हाँ, वो तो है। अब इसे नजर। तो क्या जो हुआ वो बुरा हुआ? तुम्हें लगता है? तुम मेरी बात समझ रही हो? समझ रही हूँ। अच्छी चीजें देखना सीखो। हाँ, देख रही हूँ। मैं तो सीख रहा हूँ। ओह, वसाबी पीनट्स। जाहिर है मेरी किस्मत में वो केला नहीं लिखा। किस्मत चाहती नहीं थी कि हम उस कार में बैठे। कम से कम ये तो बता दो कि किस्मत चाहती क्या है। अब बस किस्मत एक बढ़िया सा टॉयलेट दिखा दे। मजाक कर रहे हो? कंट्रोल नहीं कर सकते? धमाका हो सकता है। तो फिर चलते चलो। हाँ ठीक है। अपुन बच गया, अपुन बच गया। अबे इसकी तो पीछा नहीं छोड़ा। अबे चालू हो जाओ सारे। नौटंकी बात, हाँ, एक्टिंग करना, ऊपर जाके अपना